क्रिकेट पैसा नहीं जुदुन है, पिता राहुल द्रविड़ ने करोड़ों को ठोकर मार दी थी, अब बेटा 50,000 में खेलेगा। एक ओर जहां दुनिया पैसे के पीछे पागल है, तो दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट के प्रतिष्ठित द्रविड़ फैमिली पर यह लागू नहीं होता। राहुल द्रविड़ T20 विश्व कप विनिंग टीम के कोच थे और उन्हें प्लेयर्स के बराबर 5 करोड़ रुपए भारतीय कंट्रोल बोर्ड ने ऑफर भी किए थे, लेकिन उन्होंने सपोर्टिंग स्टाफ के बराबर 2.5 करोड़ ही लेने का फैसला किया। 2.5 करोड़ बड़ी कीमत होती है। जिस पिता ने अपने लोगों के लिए इतनी बड़ी रकम कुर्बान की, उनका बेटा सिर्फ 50,000 रुपए में महाराजा ट्रॉफी T20 में खेलेगा। राहुल द्रविड़ कई मर्तबा बड़ा दिल दिखा चुके हैं। उन्होंने अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद भी कम पैसे लिए थे। जी हाँ, भारत के पूर्व कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समीर द्रविड़ ने गुरुवार को बेंगलुरु में नीलामी के पिछले सीजन के उपविजेता मैसूर वॉरियर्स के साथ अपना पहला महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 अनुबंध हासिल किया। बता दो कि 18 वर्षीय समीर द्रविड़ को 50,000 रुपए की कीमत पर खरीदा गया। मध्यम गति के तेज गेंदबाज और मध्यक्रम के बल्लेबाज समीर कर्नाटक अंडर-19 टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने 2023-24 कुच बिहार ट्रॉफी जीती और अलू में लंकाशायर टीम के खिलाफ 3 दिवसीय खेल में KSCA के 11 का प्रतिनिधित्व भी किया। वारियर्स में द्रविड़ की अगुवाई करुण नायर करेंगे, जिन्हें टीम ने कप्तान के रूप में बरकरार रखा है। वारियर्स ने ऑलराउंडर गौतम को 7.4 लाख रुपए में और जे सुचित को 4.8 लाख रुपए में खरीदा, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को 1 लाख में खरीदा। प्रसिद्ध कृष्णा की हाल ही में सर्जरी हुई थी, वह टूर्नामेंट तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। बता दें कि महाराजा ट्रॉफी का 2024 का सीजन 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी मैचों के साथ आयोजित होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि समीर द्रविड़ उन क्रिकेटरों के बेटों में शामिल है जो अपने पिता के रास्ते पर चलने का फैसला कर चुके हैं। राहुल द्रविड़ विश्व क्रिकेट में सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में शामिल है। उनके बेटे समीर जब बड़े लेवल पर खेलेंगे तो उनकी तुलना पिता से जरूर होगी। बता दूं कि समीर पिता की तरह ही दाएं हाथ के बल्लेबाज है। उनसे पहले महान बल्लेबाज और राहुल द्रविड़ के दोस्त सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी पहले ही क्रिकेट में आ चुके हैं। बता दूं कि वह रणजी ट्रॉफी और इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। वैसे आप क्या कहेंगे राहुल द्रविड़ उनके बेटे और फैमिली के बारे में, कमेंट्स करके बताइए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।